जगन्नाथ, मैं जास्मिन में मेरी चैनल जास्त्रू लेंस में आपके स्वागत करती हूँ। तो अभी बज रहा है 7:30, मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा धो के, और आज हमारे घर पे पूजा है। आपको पता होगा, जो कोई भी मतलब उड़ीसा में रहते हैं उनको पता होगा कि ये मंथ में श्राद्ध होता है, हर घर पे होता है। तो आज हमारे घर पे हो रहा है और मेरे बेटे का अन्नप्रसन्न है। तो वो आज मतलब अन्नप्रसन्न जब तक नहीं होता है हमारे घर पे, दूध के अलावा कुछ खाने के लिए बच्चे को नहीं दिया जाता है। मतलब दाल का जो पानी देते हैं, मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो देते हैं, वो नहीं दे सकते हैं जब तक अन्नप्रसन्न नहीं होता है। तो आज हमारे घर पे अन्नप्रसन्न है उसके साथ के साथ साथ, तो वो अन्नप्रसन्न ख़त्म होने के बाद वो कुछ खा सकता है, मतलब कुछ खाना शुरू कर सकता है, सॉलिड ले सकता है। तो आज है वो चीज़, आपको मैं दिखाऊंगी श्राद्ध कैसे होता है, क्या क्या होता है श्राद्ध में, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप पूरा वीडियो जो है आप पूरा वीडियो देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है वो बेल आइकन को प्रेस करके आप न्यू प्रेस करिएगा तो आपको न्यू अपडेट मिल जाएगा। आज के अलावा शुभ दिन हो ही नहीं सकते हैं, आज श्राद्ध है तो हमने सोचा कि आज ही कर लेते हैं। और अभी 5 महीने का है और बाहर का मतलब बाहर का दूध पीता है वो पाउडर पीता है। आपको पता होगा कि पाउडर में इतना प्रोटीन तो है बट उतना हमको सेटिस्फाई नहीं लगता है, वो मतलब पतला होके जा रहा है। तो इसलिए सोचा कि आज ही अन्नप्रसन्न कर लेते हैं, और दाल का पानी वगैरह हम तो दे सकते हैं, दाल का पानी में बहुत प्रोटीन रहता है। और माँ का दूध तो नहीं होता है, मतलब मेरा ब्रेस्ट फीडिंग तो वो करता नहीं है, तो मतलब उससे अब ब्रेस्ट फीडिंग होता तो फिर अच्छा होता उसके लिए, हम बाहर का देने के लिए इतना जल्दी नहीं होते हैं। बट वो पाउडर ले रहा है तो हमने सोचा कि आज कर लेते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके उसको अगर मैं देती रहूँगी तो मतलब देती रहूँगी तो आगे जाके 7 मंथ में वो खा सकते हैं कुछ हार्ड सॉलिड। तो अभी से मैं शुरू नहीं करूँगी, अभी भी बस लिक्विड वगैरह शुरू करूँगी। तो आज मैं मतलब उसका अन्नप्रसन्न होने के बाद दाल का पानी दे सकती हूँ उसको। मैं यहाँ पे जो घर का मूर्ति वगैरह है जो पूजा करते हैं उसको धो रहे हैं, क्योंकि वो तो लास्ट में धोते हैं। घर में मतलब घर में जो जो चीज़ें यूज़ होता है सारी चीज़ें धोना पड़ता है ये मंथ में, तो वो धो रहे हैं मूर्ति वगैरह। और यहाँ पे पापा जनेऊ बना रहे हैं उनके लिए, क्योंकि श्राद्ध में न्यू जनेऊ पहनना पड़ता है, हम मतलब घर के जो जेंट्स रहते हैं उनको न्यू जनेऊ पहनना पड़ता है। तो पापा के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए पापा जनेऊ बना रहे हैं वहाँ पे, मतलब वो किताब है, वो किताब देख के वो पढ़ पढ़ के वो बनाते हैं, उनको बनाना आता है वो चीज़। तो वो जनेऊ बना रहे हैं, श्राद्ध में यूज़ होता है ये चीज़। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक मिट्टी का मटका है और पीतल का मटका है। तो मटका पहले यूज़ होता था, मतलब न्यू कुछ ऐड करना रहता है तो इसलिए हम लोग मिट्टी का मटका यूज़ करते हैं। पहले यूज़ होता था चूल्हे में, बट यहाँ पे अभी गैस में है तो पीतल का कर रहे हैं। पीतल के में मतलब अराउंड 5 kg चावल हम लोग पकाते हैं उसमें, जो कि श्राद्ध में यूज़ होता है। आपको आगे जाके पता चल जाएगा क्यों हम लोग 5 kg यूज़ करते हैं चावल। तो यहाँ पे पीतल के मटके में राइस बिठाया है मम्मी ने। ये लोग मिट्टी की मटके में ही राइस बनाते थे, जो भी राइस 5 kg का राइस जो होता था वो उसमें ही बनाते थे। बट अभी चूल्हा नहीं है तो गैस में बनाना पड़ता है, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए पीतल में भी बना सकते तो पीतल में चावल बना देते। और मिट्टी की मटके में हम लोग जो फुल बड़ी मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में वो फ्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सब्जी काटने के लिए बैठी हूँ, करी जो बनेगा उसके लिए मैं सब्जी काट रही हूँ। सब्जी में तुराई, कच्चा केला और सूरन बोलते हैं हम लोग उड़िया में उसको, सारू बोलते हैं, और गवारफली वो सब डालते हैं, मतलब जो मिक्स वेज होता है इसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, मतलब और भिंडी का सब्जी होगा। तो सूरन जो है वो मैं नहीं काटूँगी, क्योंकि मतलब
मैं अगर काटूंगी तो जिसान को खुजली होगा, क्योंकि हाथ वो छिलका निकलने के टाइम पे खुजली होता है, तो मैं अगर काटूंगी तो उसको भी होगा। तो पापा वहाँ पे काट रहे हैं, और जो फुल बड़ी है वो फ्राई हो गया है। राइस बिठाया है मम्मी ने, राइस और दाल है, मतलब प्रेशर कुकर में डाल है तो वो चल रहे हैं अभी। और यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो बहुत इतना सारा जो है और सब्जी काट के मैंने रख दिया है। सुरन पापा काट दिए, यहाँ पे मिक्स वेज होगा, खट्टा होगा और भिंडी की सब्जी और एक मिक्स वेज हो, मिक्स वेज। हाय हाय, से हाय जिसान, हाय हाय गल्लो, गुड मॉर्निंग। सूरज वो आ गए हैं और रंगोली किए हैं उन्होंने चतुर्भुज की तरह। तो यहाँ पे चारों साइड में चार बिठाए हैं उन्होंने, तो एक साइड में फ्रिज की साइड में ठाकुर जी के नाम पे बिठाया है, और दूसरी साइड में पिंड के नाम पे बिठाते हैं जो पिंड दान करते हैं। और ये तो जो मिडिल वाला है, एक नानी की मतलब पापा की नानी की तरफ से बिठाते हैं, और दूसरा पापा पापा की खुद की पापा की तरफ से बिठाते हैं। तो ये चार, ये पितृश्राद्ध है तो ऐसे होता है, ये हर घर पे होता है, मतलब ओडिशा में जो कोई है वो उनके घर पे होता है। मुझे नहीं पता कि बाहर होता है कि नहीं होता है, आप बताइए मुझे ये चीज़ होता है कि नहीं होता है कमेंट बॉक्स में। और इसमें आँख की ज़रूरत पड़ती है तो मम्मी आँख बना के दिए हैं पापा को। तो आप देख रहे हो पापा मतलब चारों तरफ पूजा कर रहे हैं, एक पहले पश्चिम की तरफ करते हैं, फिर दक्षिण की तरफ करते हैं, फिर पूर्व की तरफ करते हैं। तो ऐसे कुछ होता है हमारे में। तो अभी तो पूजा स्टार्ट हुआ है, अभी और चीज़ें बाकी हैं। तो आपके यहाँ पे ये श्राद्ध होता है कि नहीं होता है मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए। ये पितृ श्राद्ध होता है हमारे यहाँ पे, अश्विन के महीने में ही होता है वो, मतलब सारा उड़ीसा में हर किसी के घर पे होता है पितृ श्राद्ध। तो यहाँ पे जो बनाना लिप्स है वो मम्मी ने चारों तरफ डाल दिया है, और मैंने आपको बोला था 5 kg का चावल बनता है, तो 5 kg का चावल पिंड दान के लिए बनता है। तो ये जो पहला पत मतलब जो लिप देख रहे हो बनाना लिप्स, तो उसमें ये 5 kg चावल आधा से आधा उसमें डालेंगे पिंड दान करने के लिए। तो आप आगे जाके देखिए कैसे होता है ये चीज़ें। पिंड परी रुद्र रूप आदित्य रूपाय
अस्तिनी माता मह काश्य गोत्रेण भक्ष देव इदम दे पिंड दुर्भ्रम सदाग्रम बड़पिंड श्राद्ध है वो खत्म होने को आया और लास्ट में मामा एक मतलब थाली आके रख दिए है उनको। उसको पूजा करने के बाद ये पूजा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे जो है पंडित वो रंगोली डाले और वो थाली उसमें मतलब वो थाली ठाकुर जी के नाम से पूजा होता है और विष्णु के नाम से। तो वो पूजा होने के बाद वो ब्राह्मण को दान देने के बाद वो पूजा ख़त्म मतलब श्राद्ध जो है वो श्राद्ध ख़त्म हो जाएगा। पूजा तो नहीं बोलते हैं उसको, श्राद्ध। जो है वो अन्न प्रसन्न किया जा रहा है जिसान को। जो पूजा हुआ था एक उसमें से एक पत्र में से खीर जो है वो खीर जिसान को दिया जा रहा है। वो थोड़ा थोड़ा मतलब अभी से तो स्टार्ट किया है तो अभी नहीं खाएगा, थोड़ा ही दिया जा रहा है। तो खाइबो नहीं चढ़ा आंगुड़ चिकेन तो खाई खाली ଖାଇବ ମଟନ ଖାଇବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବାଲୁଡ଼ିବ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି ସେ ତା ପାଟି ଭିତରୁ ଦଉନି ଖାଇବା।